हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एमसीक्यूज़ हैं दूसरी बुक के। ठीक है, हमने इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम देखेंगे। सारे कम्बाइंड मिक्स हैं, सारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी जो हमारा सिलेबस है उसके सारे कम्बाइंड इसमें एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग का भी सिलेबस कम्प्लीट कर लिया। ठीक है, उसके भी एमसीक्यूज़ हैं इस बुक में, उनको भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिस्टम इलेक्ट्रिकल पावर मे बी ट्रांसमिटेड। इनमें से किस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है। पहला, ओवरहेड सिस्टम। ओवरहेड मतलब वही ट्रांसमिशन जो लाइन होती है ऊपर, जो टावर की सहायता से या पोल्स की सहायता से कंडक्टर जाते हैं ऊपर। ठीक है, उनको ओवरहेड सिस्टम बोलते हैं। अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड केबल हमने पढ़ा था उसके ज़रिए से भी हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक, तो अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड सिस्टम दोनों के ज़रिए से हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हम टावर का यूज़ करते हैं, टावर और पोल्स का, और इसमें हम अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसको ज़मीन में बिछा कर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारा बी इज़ राइट आंसर। ठीक, सी इज़ राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द कंडक्टर्स विच कनेक्ट्स द कंज्यूमर्स टर्मिनल टू द डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा कंडक्टर है जो कंज्यूमर के टर्मिनल को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है। देखो, फीडर होता है, फीडर क्या करता है, सब स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और सर्विसमैन क्या होता है, सर्विसमैन जो होता है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के टर्मिनल को कनेक्ट करता है। ये एक प्रकार का केबल होता है। ठीक, जो डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के टर्मिनल को कनेक्ट करता है। तो राइट आंसर इज बी, सर्विसमैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अंडरग्राउंड सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेटेड अबव। अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है पावर ट्रांसमीटर का, ट्रांसमिशन का, उनको हम कैन नॉट बी अब 440 वोल्ट, कैन नॉट बी ऑपरेट अब। ठीक है, 440 वोल्ट, 11 kV, 33 kV या 66 kV, तो 66 kV से अधिक वोल्टेज पर हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज इसका 66 kV होता है। ठीक है, अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए इन जनरल कंडीशन में। ठीक, वैसे तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल भी होते हैं जो 132 के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इफ़ वेरिएबल पार्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रेसिएशन ऑन द कैपिटल आउटले इज इक्वल टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट इन द कंडक्टर, द टोटल एनुअल कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ कंडक्टर विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज, ये किसका स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा था केल्विन लॉ। ठीक है, जो केल्विन का इकोनॉमिकल वाला नियम था, ये केल्विन का नियम है। ठीक है, केल्विन का लॉ यही स्टेटमेंट बताता है हमें। ठीक, जो हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुडन पोल्स वेल इम्प्रेगनेटेड विद क्रोसाइट ऑयल और एनी प्रिजर्वेटिव कंपाउंड हैव लाइफ। ठीक है, कितनी लाइफ होती है अगर इसमें हम प्रिजर्वेटिव कंपाउंड या ये ऑयल लगा देते हैं वुडन पोल पे, फ्रॉम 2 to 5 years, 10 to 15 year, 25 to 30 year, या 60 to 70 year, तो 25 to 30 year तक इसकी लाइफ हो जाती है। ठीक है, ऐसा करने पर वुडन पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इनमें से कौन सा है जो ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं करते हैं? कौन सा मटेरियल है? कॉपर यूज़ करते हैं, एलमिनियम भी यूज़ करते हैं, स्टील भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ACSR कंडक्टर में स्टील यूज़ होती है, नहीं होती है। टंगस्टन यूज़ हम नहीं करते। ठीक, टंगस्टन हम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज टंगस्टन, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर इज जनरली यूज्ड एज। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर को हम जनरली यूज़ करते हैं किस तरीके से,
स्टे वायर, अर्थ वायर, स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स या ऑल ऑफ अबव। तो हम स्टे वायर के रूप में भी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टे वायर क्या होता है समझ लो इस चीज़ को। मान लो ये कोई पोल है हमारा, ठीक, ये कोई पोल है मेरा, ठीक है। तो अब तुम लोगों ने देखो पोल में क्या होता है, इस तरीके से एक वायर लगा रहता है, ठीक। ये वायर होता है जो इसको बोलते हैं स्टे वायर, ठीक। पोल में लगा रहता है, एक सारा पोल से होता है, एक सारा ज़मीन में गड़ा रहता है, इसको बोलते हैं स्टे वायर, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज़ जनरली यूज एज स्टे वायर की तरह भी हम गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर को यूज़ करते हैं, ठीक। अर्थ वायर की तरह भी यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर कंपाउंड की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक। और तो क्या है, राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ये सारे ही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूजर स्पैन विद आरसीसी पोल, आर जो आरसीसी पोल होते हैं उसमें स्पैन कितना रखा जाता है यूजुअली, वह हमारा 80 से 100 मीटर के बीच रखा जाता है, ठीक है। राइट आंसर इज सी, 80 से 100 मीटर के बीच उनको स्पैन रखा जाता है आरसीसी पोल में, जो हमारे घर गलियों वगैरह में लगे रहते हैं वह आरसीसी पोल होते हैं, ठीक। रीइंफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट पोल, द कोरोना इज कंसिडरेबली, नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, द कोरोना इज कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोविंग, कोरोना क्या है किन से इफेक्ट होता है निम्न में से, साइज ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर, सरफेस कंडीशन ऑफ कंडक्टर या ऑल ऑफ अबव। तो कोरोना क्या है इन सभी चीज़ों से इफेक्ट होता है, कंडक्टर के साइज से भी, उसके शेप से भी, ठीक। मोटे कंडक्टर में कम होता है कोरोना, पतले में ज़्यादा होता है, शेप सॉलिड कंडक्टर में कम होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर में ज़्यादा होता है, सरफेस कंडीशन उसके आसपास की जो कंडीशन है, नम वायु होती है तो उसमें कोरोना ज़्यादा होता है, ड्राई में कम होता है, ठीक। ये ऑल ऑफ अबव, तो सारे ही हमारे इफेक्ट करते हैं कोरोना को, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द, नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्स्टेंट कौन से, हमने पढ़े थे ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स, उन्हीं को कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या ये सभी, तो रेजिस्टेंस भी हमने पढ़ा था, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी, तो ये राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, सारे ही हमारे क्या ये कॉन्स्टेंट है ट्रांसमिशन लाइन के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज गिवन बाय, परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है मैंने पढ़ा दिया है ना, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूले दे रखे हैं देखो, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपॉन सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपॉन सेंडिंग एंड का स्क्वायर, सेंडिंग रिसीविंग एंड माइनस सेंडिंग एंड अपॉन रिसीविंग एंड का स्क्वायर, या फिर सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपॉन रिसीविंग एंड इनटू 100। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, ठीक है। सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड वोल्टेज के अंतर को अगर हम रिसीविंग एंड वोल्टेज से डिवाइड कर दें तो ये क्या कहलाता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। यहाँ परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन तो 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना ऑफ राइज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड, वोल्टेज रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड और लाइटली लोडेड लाइन इज कॉल्ड, ठीक। द फिनोमेना इन क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है रिसीविंग एंड पर क्या वोल्टेज का होता है अधिक हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, ठीक है। ठीक, जब हमारा ओपन सर्किट होता है वहाँ पर लोड हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज पर अगर लोड हल्का होता है, बहुत कम होता है, या फिर वहाँ ओपन सर्किट होता है तो उसका जो वोल्टेज होता है वह हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है, ठीक है। मतलब आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो जाएगी, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फेरेंटी इफेक्ट, ठीक। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। ठीक, ये क्या कैपेसिटेंस इफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है ये, ठीक, फेरेंटी इफेक्ट। ठीक, तो ये कहलाता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। ठीक, ये है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन इसमें आया तो बता दिया। इसमें क्या होता है रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होता है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लो वोल्टेज केबल आर मेंट फॉर यूज अप टू, लो वोल्टेज केबल
लो वोल्टेज केबल कितने तक यूज़ करते हैं? तो राइट आंसर इज़ 1.1 KV होगा इसमें। वैसे तो 1 KV तक यूज़ करते हैं, ठीक, 1000 KV तक, लो वोल्टेज को 1000 KV तक यूज़ करते हैं। यहाँ 1.1 दिया तो हम 1.1 लगाएंगे, ये गलत लगाया किसी ने, ठीक ठीक है। दिखाता हूँ तुम लोगों को लो वोल्टेज केबल, ये देखो, ठीक, लो वोल्टेज केबल है। वैसे तो क्या एक केबी तक यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और हाई वोल्टेज केबल को 11 KV तक, ठीक, यहाँ गलत है, 11 KV होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या, लो वोल्टेज केबल आर मेंट फॉर यूज़ अप टू, तो 1 इज़ राइट आंसर, ठीक है, 1.1 KV लगा देना क्योंकि यही सबसे कम है, ठीक है, लो वोल्टेज केबल। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल इज, हाई वोल्टेज केबल का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है? 11 KV, ठीक, हाई वोल्टेज केबल को 11 KV तक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, हाई वोल्टेज केबल की बात हो रही है, ठीक। तो राइट आंसर इज 11 KV। इसी प्रकार ऑपरेटिंग केबल ऑफ सुपर टेंशन केबल, ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल, लो वोल्टेज केबल का 1 KV तक, हाई वोल्टेज का 11 KV तक, सुपर टेंशन का 22 से 33 KV होता है, ठीक। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है उसका 33 से 66, फिर एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज आता है उसका 132 से अधिक या 132। तो क्या होता है, 22 से 33 KV होता है, ठीक है, सुपर टेंशन केबल का वोल्टेज। तो यहाँ पे हम, यहाँ 33 दे रखा ना, तो 33 KV लगा देंगे, ठीक, 33 KV इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसी में से आएंगे। द ऑपरेटिंग वोल्टेज जरूर नहीं ये याद है, लेकिन इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा केबल कितने वोल्टेज तक के लिए काम करता है, ठीक, ये पढ़ा चुके हैं सब थ्योरी में। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज अप टू, जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन होता है, लो टेंशन 1 KV, हाई टेंशन 11 KV, सुपर टेंशन 22 से 33, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो हमारा 33 से 66 KV, ठीक है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल इज़ अप टू 33 से 66 KV होता है ना, तो अप टू 66 तक, मैक्सिमम 66 है इसका, ठीक है। तो राइट आंसर इज 66 KV, ठीक है, 66 KV इज़ राइट आंसर, ठीक है। ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो डी इज़ राइट आंसर, 66 KV हमारा क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज हम 66 KV तक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, तो डी इज़ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर लाइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल बिछाने के मेथड हैं ये, ठीक है, कि किन किन मेथड से हम बिछाते हैं, तो इनमें से कौन सा मेथड है अंडरग्राउंड केबल बिछाने का, ठीक, डायरेक्ट लाइंग मेथड, ड्रॉइंग सिस्टम, सॉलिड सिस्टम, या सभी। तो ये सारे ही क्या है हमारे अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के मेथड हैं, ठीक है, डायरेक्ट लाइंग मेथड भी अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का मेथड है, ड्रॉइंग सिस्टम भी ये अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का मेथड है, सॉलिड सिस्टम भी अंडरग्राउंड केबल को बिछाने का मेथड है, ठीक। तो ये सारे ही, ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर, ठीक। बेस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ हीट जनरेटेड इन द केबल, जो केबल है उसमें हीट जनरेटेड का क्या सोर्स है इनमें से? डायलेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, हाँ इसके कारण भी होती है हीट जनरेट, आई स्क्वायर लॉस इन कंडक्टर, या लॉसेज इन मेटेलिक सीट एंड आर्मिंग। तो ये सभी कारण हैं, ठीक, सारी जो लॉसेज होती हैं उनसे हमारी हीट उत्पन्न होती है। तो इन केबल में क्या है, जो हीट जनरेट होती है वह सारी जो लॉसेज होती हैं, सारी प्रकार की लॉसेज होती हैं, उन सब की हीट मिलाकर जो जनरेट होती है हीट, उसी को केबल की टोटल जो हीट जनरेट होती है वो कहलाती है, ठीक। तो इन सभी के कारण केबल में टोटल हीट जनरेट होती है। तो सारे ही हमारे राइट आंसर होंगे, ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर, ठीक। डायलेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, ठीक है, इसके कारण भी हीट उत्पन्न होती है, आयस्कार लॉस के कारण भी हीट उत्पन्न होती है, और मेटेलिक सीट और आर्मिंग में जो लॉसेज होंगे उनके कारण भी हीट उत्पन्न होगी। तो इन सभी के कारण हीट उत्पन्न होगी, ठीक। डी, ऑल ऑफ द अबव इज़ राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ द सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट इन फर्स्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सिंपल है बहुत और जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, रेडियल, रिंग मेन, इंटरकनेक्टर या नैनो फाइबर। तो रेडियल, रेडियल क्या होता है, सबसे सिंपल होता है ये, उसकी सबसे कम कॉस्ट होती है, ठीक है, रेडियल की। तो रेडियल इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है बूस्टर इज, बूस्टर क्या है, सीरीज बॉन्ड जनरेटर, सेंट बॉन्ड जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर या नैनो फाइबर। तो बूस्टर क्या होता है, एक सीरीज बॉन्ड जनरेटर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक सीरीज बॉन्ड जनरेटर होता है जो ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक। कभी कभी ड्रॉप होते हैं ना, उन ड्रॉप को ओवरकम करने के लिए बूस्टर जनरेटर का यूज़ करा जाता है, ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं लाइन में उसको कंपनसेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये सीरीज बॉन्ड जनरेटर होता है जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में जुड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन केबल। केबल में निम्न में से कौन से फॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर होते हैं, क्रॉस एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ब्रेक डाउन ऑफ केबल इंसुलेशन। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट भी होते हैं, ठीक, ओपन सर्किट भी होते हैं, और केबल का इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है उसके कारण भी फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर, ये सारे ही होते हैं, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउज ऑफ डैमेज टू द लेड शीट ऑफ ए केबल इज। लेड शीट केबल में कौन से नंबर पर चढ़ी रहती है और काय की बनी होती है और क्यों यूज़ करी जाती है। लेड शीट हमारे केबल में थर्ड नंबर पर होती है, पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेशन, फिर लेड शीट। ये हमारी एलुमिनियम या लेड की बनी होती है, इसका उपयोग केबल में जो मॉइस्चर होता है केबल को मॉइस्चर और जो मिट्टी की और भी जो कई एसिड या एल्काइन वगैरह होते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी स्टील या बहुत सॉरी एलुमिनियम या लेड की बनी रहती है, थर्ड नंबर पर होती है ये। इसका यूज़ इंसुलेशन सॉरी इसका इसको मॉइस्चर को केबल को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं इसका उपयोग, ठीक है, ताकि इंसुलेशन में मॉइस्चर ना जा सके, ठीक, और किसी हमारे क्या कोई एसिड या एल्काइन वगैरह का वहाँ पे इफेक्ट ना पड़े केबल के इंसुलेशन पर, ठीक, इसलिए इसको लेड शीट को यूज़ करते हैं। तो क्या है डैमेज, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके डैमेज होने के, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लेड थ्रू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन थ्रू उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाना, केमिकल एक्शन ऑन द लेड व्हेन वरीड इन द अर्थ, मैकेनिकल डैमेज, ठीक है। तो इनमें से सारे ही हो सकते हैं, ठीक, मैकेनिकल डैमेज के कारण भी क्या है वो डैमेज हो सकती है, केमिकल एक्शन के कारण भी हो सकती है, और उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाए उसके कारण भी है हमारी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, द वोल्टेज ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई रेजिडेंशियल कॉमर्स कंज्यूमर इज। ठीक है, सिंगल रेजिडेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनके लिए सिंगल फेज सप्लाई का वोल्टेज कितना रहता है, 110 वोल्ट, 210 वोल्ट, 230 वोल्ट या 400 वोल्ट। तो कितना रहता है हमारा रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, 230 वोल्ट रहता है, ठीक है। फेज सप्लाई जो है सिंगल फेज सप्लाई में जो हमारा वोल्टेज का मान रहता है वह हमारा 230 वोल्ट रहता है, ठीक है। ये फेज किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज होता है, ठीक है, सिंगल फेज में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, ठीक, तो उनके बीच जो वोल्टेज होता है वह हमारा 230 वोल्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया इज। ये कह रहा है इंडिया में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है वो मोस्टली कैसी है, अंडरग्राउंड है, ओवरहेड है, आइदर ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो क्या है ज़्यादातर जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वह ओवरहेड है, ठीक, अंडरग्राउंड बहुत कम है, ठीक। तो ज़्यादातर हमारी जो है जो ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया में वह ओवरहेड है, ठीक, अंडरहेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर रेजिडेंस एरिया आर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होती हैं रेजिडेंस एरिया के लिए वह हमारे सिंगल फेज होते हैं,
थ्री फेज थ्री वायर टाइप होते हैं या थ्री फेज फोर वायर टाइप होते हैं या नैनो फाइबर? तो ये हमारे थ्री फेज फोर वायर टाइप होते हैं, ताकि उसमें हमें दो प्रकार के वोल्टेज मिल सकें। एक तो लाइन वोल्टेज मिल सके दो किन्हीं दो फेज के बीच, और दूसरा फेज वोल्टेज मिल सके किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच। ठीक है, तो ये हमारे थ्री फेज फोर वायर टाइप होते हैं। ठीक है, थ्री फेज और चौथा न्यूट्रल। ठीक है, तो टोटल तीन फेज होगा, चार वायर होगा। ठीक, चलिए आज हम इतनी एमसीक्यूज पढ़ेंगे, कल से इसके आगे का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।